गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग निकल पड़े अभी साइट पे, जा रहे हैं अभी बस में। पहुंच गए साइट पे, अभी चालू करते हैं काम, देखते हैं कल का कितना हुआ है और कितना काम बाकी है। देखो अभी घोड़ी लगाना ही चालू है दोस्तों। ये घोड़ी जो है, जितना बड़ा रूम रहता है उसका सेंटर निकाल के फिर सेंटर निकालने का, यानी कि उसका चौथा हिस्सा गुना जाता है, तो वहाँ पे घूड़ी लगती है। इसका डबल मजबूती हो जाता है, अल्टरनेट सदिया में ये लगती है। ये देखो, ये ऊपर वाला टॉप वाला सदिया को बेंड लगता है, नीचे बॉटम वाला सदिया सीधा रहता है। इससे क्या होता है, मजबूती ज़्यादा हो जाती है स्लैब में। घोड़ी लगाना चालू है अभी, सलिया बिछा दिया है अल्टरनेट, एक बेंड में आता है एक टॉप में आता है, ऐसे कर कर के 5-5 इंच का सेंटर है, 8 mm का भी 5 इंच का और 10 mm का भी 5 इंच का सेंटर हम लोग रखते हैं। घोड़ी का मजबूती ऐसे रहता है, ये रूम है, रूम इधर का आधा हिस्सा में ये दिन बदलते बदलते कोई ना कोई नया आता है, मतलब सिस्टम अलग अलग होता है। मामा ने वजन भी पड़ी थोड़े दोस्तों। अभी ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया बांध के। देखो ये घोड़ी लगा है, जो रूम छोटा है उसका घोड़ी अलग माप में लगता है। देखो बीम में 2x2 10 है सब बीम में। अभी चाय की राह देख रहे, चाय वाला आएगा अभी ऊपर। देखो पूरा स्लैब मतलब काम बाकी है ऐसे, अभी अभी तो बहुत काम बाकी है। डिस्टेंस में सलिया बांधने का है, बीम में L/4 एक एक टुकड़ा डालना है कॉलम पे, सब कॉलम पे सरिया आता है और एक एक एक्स्ट्रा बार बांधेंगे। ये देखो अभी आ गया चाय वाला काका, अभी चाय पियेंगे सब लोग, चाय पी के फिर लगते हैं काम पे। चाय जो रोकवार होती की तू ठंडी गाल चाय की है रे साला ने पंगे ने क्या काम और काय करे ने गाड़ी आड़ी पड़े ने पंगे गाड़ी आड़ी रे गाड़ी आड़ी जास्त यार ले ले फिर मानो ने चार पांच सराय जाए ही नहीं थी ये बोलता तो देन को सुनना दे। ये अभी चाय का छुट्टी हुआ है मेरे पण गरम है चा ये इन थोड़ा बांध दे रहे या कि दांत सब चिरा रहे इस गरम भाई जाएंगे बात दोस्तों। देखो अभी स्लैब बांध के कंप्लीट हो गया है, अभी मैं हुक बना रहा हूँ कड़ी। हॉल में 5-5 छेटे डाल देते हैं, झूमर के लिए 4, झूले के लिए भी 2, बीच में सेंटर में 1, पंखे के लिए। पंखे वाला तो अभी हम नहीं डालते,
अंडरग्राउंड फिटिंग होता है तो स्टील का लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक वाला लगा देता है, इसलिए हम खाली हॉल में डाल देते हैं ज़्यादा खड़ी 6-7, और रूम में किचन में समझ लो 2 डाल देते हैं, जैसा छोटा रूम है तो 4। ये माता जी का मंदिर का काम है, मंदिर ऊपर रहेगा, नीचे रहने को मकान है, और ऊपर पहले माले पे मंदिर बड़ा बन रहा है। अभी छोटा था मंदिर, अभी बड़ा करवाने का है ऊपर। अभी जा रहे हैं ऊपर, आइए आप लोगों को मैं ऊपर दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है, और सामने सरिया का जो चाल दिख रहा है उधर से भी सीढ़ी है, ताकि वो बाद में बनेगा, वो बाहर से आने वाला आदमी वो सीढ़ी से चढ़ के सीधा यही सीढ़ी से होकर ऊपर जाएगा। ये बीम सर में लगना नहीं चाहिए, इसलिए उसको एडम कर दिया है। ये बड़ा बीम है चारों तरफ सीढ़ी के। अभी ये सीढ़ी में हमको अभी पाटिया मारने का, इतना खड़ा नहीं है, 7-10 का टप्पा है, 7 का राइजर, टप्पा 10 का रहता है हमारे इधर। सीढ़ी की चौड़ाई 45 इंच रखते हैं, मंदिर का काम है इसलिए। मकान में तो चल जाता है, 2.5 फीट 3 फुट का चलता है मकान में। देखो 26x36 का साइज है प्लॉट का, बहुत मस्त मकान बन रहा है। नीचे रहने के लिए है और ऊपर बड़ा मंदिर बनेगा। देखो बीम में एक L4 सरिया डाला हुआ है 12 mm का, कॉलम कॉलम सेंटर सेंटर। देखो ये सीढ़ी का पहला टप्पा जो है डबल है, क्योंकि बाद में ये लैंडिंग पे जो है एक क्रॉस टप्पा बनेगा। ये इसलिए करते हैं कि स्लैब में ऊपर 10 इंच का जगह ज़्यादा मिल जाता है। ये अभी एक लग गया, ये दूसरा मैं मार रहा हूँ टप्पा। ये काका मेरे साथ में हेल्पर है, ये अभी इधर से 10 मापेगा, पटिया के बाहर साइड से 9 आना चाहिए। दोनों तरफ माप सरी का आना चाहिए, और ऊपर भी लेवल में रहता है इसमें, वो लंबा और ट्यूब लेवल बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि एक टप्पा बिगड़ जाए तो ऊपर के सब टप्पे बिगड़ जाते हैं, इसलिए इसको शुरू से ही बराबर मापने टोकना पड़ता है। देखो उधर माप लिया, अभी इधर का भी। बस हो गया माप फिक्स, अभी मारने का। देखो अभी लेवल बाटली है, लेवल बाटली में आना ही चाहिए, और पीछे से लगाएगा। अभी वो लंबा में करूँगा मैं इसको, ऊपर से एक लाफा मार दूँगा। दोस्तों ऐसे में क्या होता है, पाटिया का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि देखो उधर से एक पाटी 4 इंच का पिन मार दिया है भराई का, इधर एक चाबी 4 इंच का रख दिया है, और जो टप्पा का पाटिया है वो माप से बड़ा भी रहे तो चलता है, अगर दोनों तरफ से साइड मारा हुआ रहता है तो बहुत पाटिया का नुकसान होता है, काटना पड़ता है सब, क्योंकि लकड़ा भी बहुत महंगा मिल रहा है। अभी 2 टप्पा अभी लग गया है, और काका लाएगा 3रा टप्पा। ये देखो अभी वो लंबा होगा, उसका 2.5 मिनट हो गया, जरा भी टेढ़ा नहीं रहता है, 50 मिनट टेढ़ा रहता है तो फिर बाद में काटना पड़ता है, स्टाइल वाले को मार्बल वाले को बहुत तकलीफ पड़ता है। मंगाना खाता बता फिर होगा एक ठिकाने। सीढ़ी के आजू बाजू में ये देखो, ये जो बीम डाला हुआ है 4x12 का है, बाद में इसके ऊपर भी दीवार बनती है,
और 4 इंच का दीवार दादर पे बनेगा वो सीधा इसी को टच हो जाता है। वो बीम इसीलिए लेना पड़ रहा है कि ऊपर दादर का बारिश में पानी अंदर आना नहीं चाहिए, इसीलिए कैबिन बनाना ही पड़ता है और वो कैबिन पे ही पानी का टंकी रख लेते हैं। थोड़ा सा मिबी जाओगा इनमें नहीं वो पुलटा कैमरा ऑन करी ऊपर मत आना रे, थोड़ी देर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, पाट लीजिए वहाँ। पूरे कर पार्टी पिया
टप्पा मार रहा है ना ला ले ना बड़ा डायरेक्ट लेवल मही रहा टप्पा लेवल वाटली ठीक नहीं रहा कारण की आपला हाई जर कधी लेवल मारा ना हाई आणि आहे ते येल लेवल मही वानच छे अरे तोला दो चार किल्ला देना अरे कटप्पा बाहू बोली सब आएंगे ना इसमें तेरे को क्या बनना है फिर मावाली चाय भी आएगी थोड़ी देर में किसके घर में जाते हैं ना सुबह सुबह साहिल खड़े थे साहिल हाँ निखिल साहिल खड़े थे काल मग चावी वर पाच लय मामा मग लागवा ना लय मामा पलाय काल मग चालायचं बर का रे बाळा भावाना काही राहत आता माझ्या पात्रा मारलेला चप्पा मा कदाचित एक टप्पा आता वरला टप्पा आम्हाला वाटत होत काही नाही करत बरोबर अरे मामा पलाय नाही ये ना पलाय ना पै गाडे पंचवीस चाळीसचा दादर आहे ना वर इलागे ना को एक जर मारा आवाज मूट का बाबा आपला आवाज रेकॉर्ड नाही व्हावा ना यांना उघडावता येईल उघडावता येईल का मग आवाज आवाज राहू देऊ आणि राहू बी देता येईल आपल्या काही फरक नाही पण त्याला माहिती तर टाकली पडेल ना ठिकठिकाणी टाकतो काही माहिती घेणे टाकायला लाभा ओ मामा लापा दी देना हेलो नहीं रवि जबरदस्ती तान रहा था आज काम ले मन दबो हमने मिस्त्री आज रजा रे ते काम पूरा कराल माल जा रहे मन
कॉलम आज कॉलम बांधला तरी दादा रे रो आवस ना चार टप्पा ना पहले तीन चार स्टेप ना इतने का तो हां ना तू चाल दादर करा ले टप्पा लया ना तू लापा लई रहना चार टप्पा कटी गया चार टप्पा पाजे ये बीम में जो है एक एक L4 L4 टुकड़ा डाल देते हैं 12 mm का ये गैलरी है ये देखो ये 3.5 फुट में हेडम बीम डाल देते इसका 2.5 फुट पे इसका ज़रूरत नहीं रहता है लेकिन काम थोड़ा हेवी है मंदिर बनने वाला है आगे इसलिए बीम दे दिया है नीचे रहने का मकान है और ऊपर ये मंदिर है उधर से एक सीढ़ी आने वाला था एक सीढ़ी और ये बीम है ना इसलिए बीम कट दिया उधर येडम बीम डाल दिया है 4 सरिया वाला और आगे फिर बड़ा बीम है क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये दोनों तरफ जाएगा एक सीढ़ी ये आया ये नीचे से आया और ये सरिया काका सले ले हाथ लाऊती खाले खाले चाल नहीं हाँ वो काका पकड़ा है उधर से भी एक दादर बनने वाला है कॉर्नर का मकान है डबल दादर रहेगा हाँ बॉटम भी तो लेवल माझे तो जर तिरपा राहील ना मग टप्पा मागे लोटस तो हा चल चालेल चालेल ना हेलो
मारपड़ी मारपड़ी तेन वाटिक रन मारे अवगा काम वाले लटके जा रहे अवगा काम वाले लटके जा रहे I don't know.